खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो अभी जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है मुझे भी पता है, बिना फोन टिपटिपाए आप लोग मानने वाले हैं नहीं। आजकल तो गली मोहल्ले की गॉसिप्स भी लोग WhatsApp पर ही करते हैं। वैसे करने वाले तो बॉस की बुराई भी WhatsApp पर करते हैं। प्यार हो या फिर टकरार हो, सब में WhatsApp की भागीदारी उम्मीद से ज्यादा है। कभी कभी तो लगता है कि मानो जिंदगी का एडिक्शन बन गया है व्हाट्सएप। पर छोड़िए, फिलहाल अभी ये गपबाजी में नहीं फंसते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर व्हाट्सएप के इस्तेमाल से आप कैसे सीधे पहुंच सकते हैं जेल। आपके पास जब कोई जोक या कोई मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, हंसते हैं या फिर जैसा मैसेज होगा उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं? पर आखिर में एक चीज तो है जो आप जरूर करते होंगे, फॉरवर्ड। जल्दी करो वरना माता रानी आशीर्वाद नहीं देगी। बस कर दी ना गलती। अब ऐसे मैसेज और व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों और कंपनियों के खिलाफ अब व्हाट्सएप करने जा रही है कानूनी कार्रवाई। वैसे आपके भले के लिए बता दें कि खाली कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि जुर्माना भी लग सकता है। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहें तो बल्क मैसेज भेजना व्हाट्सएप की पॉलिसीज को तोड़ने के बराबर है, जिसके लिए अब व्हाट्सएप लेने जा रहा है कानूनी सहारा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से व्हाट्सएप सेफ्टी के नाम पर इतना एक्टिव क्यों हो गया। देखिए क्या है ना कि आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है तो व्हाट्सएप भी है, और व्हाट्सएप है तो बिना सोचे समझे फेक न्यूज के फॉरवर्ड्स भी हैं। अब फेक न्यूज का कोई स्पेसिफिक दायरा तो होता नहीं है, इसके लपेटे में तो बेचारे नेता से लेकर अभिनेता, प्लेयर्स से लेकर बिजनेसमैन तक हैं जो बेचारे फेक न्यूज के मारे हैं। अब ऐसे में व्हाट्सएप कंपनी ने अनऑथराइज्ड यूसेज ऑफ व्हाट्सएप पॉलिसी नाम से एक नोटिस जारी कर बताया है कि ऐसा करने वाले लोगों को 7 दिसंबर से सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वैसे फेक न्यूज को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने काफी पहले से कोशिशें करनी शुरू कर रखी हैं। यही नहीं, द इंडिपेंडेंट की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल करने के चलते कंपनी करीब 20 लाख अकाउंट्स बैन कर रही है। वैसे क्या आपको पता है कि भारत में व्हाट्सएप के टोटल कितने यूजर्स हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फेक न्यूज से बचने के लिए व्हाट्सएप पर काफी दबाव भी है, क्योंकि कोई पता नहीं ना कि कौन सा फेक न्यूज किसी दंगे या किसी की हत्या का कारण बन जाए। ऐसे में भारत सरकार भी व्हाट्सएप को फेक न्यूज रोकने के लिए लगातार दबाव बना रही है। वैसे हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे और पूरे मैटर को जाने बिना कोई मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। उम्मीद है कि आप इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझेंगे।